सबसे पहले हम डो बनाने के लिए यहाँ ले रहे हैं 2 कप मैदा और आज हम 2 पिज्जा बना रहे हैं। स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी, 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब हम इसमें डालेंगे दही और अब इसका हम डो बना लेंगे। दही यहाँ पे यीस्ट का काम करेगी। अगर आप यीस्ट से बनाना चाहते हैं तो आप उससे भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे घर का दही लिया है, ताज़ा वाला। अगर आपका दही खट्टा है तो और भी अच्छा। देखिए आपको यहाँ पे बबल्स भी नज़र आ रहे होंगे। अब हम इसका आटा लगा देंगे और अच्छे से पीट पीट के पटक पटक के इसका डो तैयार कर लेंगे और फिर इसमें बटर से ग्रीस कर लेंगे अच्छे से और इसे गीले कपड़े से ढक के 1 घंटे के लिए रेस्ट करने देंगे। अब 1 घंटा हो चुका है तो अब हम इसे फिर से उठाएंगे और देखिए अगर आपका आटा ऐसे हो रहा है, मतलब टूट नहीं रहा है वो, तो एकदम वो परफेक्ट बना है। देखिए यहाँ पे एकदम लचीला है और मतलब रनिंग है डो। ओके तो अब हम ले लेंगे यहाँ पे मकई का आटा, थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो क्रस्ट है वो एकदम क्रिस्पी होगा। अब हम इसे वेल देंगे, एकदम पतला वेलना है इसे। मैं इसे जितना पतला हो सका मैंने उतना पतला वेल दिया। देखो गोल की टेंशन नहीं करने की, गोल तो मोस्टली किसी का भी गोल एकदम परफेक्ट नहीं बनता है, तो अपन ने अपना अपने हिसाब से बना दिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, तवे पे सेक लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो इसके लिए हमें 2 लेयर्स चाहिए होंगी पिज़्ज़ा बेस की। तो अब हमारी 1 तैयार हो गई है। मैं इस थाली पे बनाने वाली हूँ पिज़्ज़ा, तो मैंने इस हिसाब से ऐसे रख के मेजर कर लूँगी। तो मेरी ये साइज़ परफेक्ट बनी है। अब मैं क्या करूँगी, इसको तवे पे सेक लूँगी हल्का सा, एकदम नहीं पकाना है, से हल्का सा 1 मिनट के लिए सेक देना है। बस ये हल्का सा सिक चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे और अब हम दूसरा डो भी रोल कर लेंगे। दूसरा वाला डो हमें इससे थोड़ा सा बड़ा बेलना है। तो फिर से मैं यहाँ पे थोड़ा सा मकई का आटा स्प्रिंकल कर दूंगी और फिर हम अपना डो रोल कर लेंगे। तो ये भी मैंने उसी तरह से रोल कर दिया। अपना पिज़्ज़ा कढ़ाई में बनाने वाले हैं, तो इसलिए जो प्लेट पे हम बनाने वाले हैं वो ले लिया और इसे अच्छे से बटर से ग्रीस कर दिया है। देखिए ग्रीस जरूर कीजिएगा, चाहे ऑयल से या बटर या घी से। और अब हम इसमें डालेंगे चीज़ सॉस। मैंने यहाँ पे अमूल की चीज़ सॉस ली है। आप यहाँ पे चीज़ स्प्रेड भी ले सकते हो, अमूल ब्रांड का भी ले सकते हो, गो चीज़ भी ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है। अब चीज़ सॉस को स्प्रेड कर देंगे और अब हम इसके ऊपर रखेंगे हमने जो पहले बेस कुक किया था तवे पे वो। देखिए चीज़ सॉस हमने ज़्यादा उसमें बाहर नहीं लगाई है, क्योंकि जब हम बंद करेंगे अगर वो कुक होते वक्त बाहर निकल जाती है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हमने इसकी साइज़ जितनी थी छोटे वाले बेस की उतने तक ही स्प्रेड किया है। अब हम यहाँ पर साइड में पानी लगा रहे हैं जिससे हम इसे पैक कर सके। बस इस तरह से हम इसे पैक कर लेंगे और बस फिर हम इसे फोक से पोक कर लेंगे। देखिए ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, अगर आपने पोक नहीं किया तो ये पूरा ऐसे फूल जाएगा रोटी की तरह और चीज़ भी बाहर आ सकता है, तो वो सही नहीं रहेगा। आप अच्छे से इसमें होल्स कर दीजिएगा और इससे हमारा कुक भी अच्छे से होगा। और अब मैं इसे साइड से भी इस तरह से पैक कर रही हूँ, हल्का सा पानी थोड़ा सा लगा के अच्छे से पैक कर दूंगी। ज़्यादा पानी नहीं लगाना है, एकदम हल्का सा लगाना है। और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस।
और थोड़ी सी टमाटो केचप। अब मैंने यहाँ पे कुछ वेजीज चॉप करके रखी थी, बेल पेपर्स, ऑनियन और ऑलिव्स। आपके पास जो अवेलेबल हो, आपको जो पसंद हो, आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं ऊपर से थोड़ा सा और चीज सॉस डाल रही हूँ और अब हम इसमें डालेंगे ऊपर से खूब सारा मोज़रेला चीज़। अच्छे से बटर या ऑयल लगा देंगे साइड्स पे, इससे उसका टेस्ट और भी अच्छा आता है और वो साइड से सूखा नहीं होगा। और अब हम इसे बेक करेंगे, तो इसलिए मैंने आप ले लिया है एक बड़ा सा पतीला, एल्युमिनियम का है ये, आप कढ़ाई भी ले सकते हैं। उसके नीचे मैंने यहाँ पे नमक डाला है, एक मटका स्टैंड रख दिया है और हमने अपनी प्लेट रख दिया है। बस इसे कवर कर देंगे और 20 टू 25 मिनट्स में आपका पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए मेरा पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर देंगे और बस इसे कट करके एंजॉय कीजिए। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें।